देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बजट सैशन च हुई बहसबाजी ते दमन वीर फिलोर ने चुके सवाल। एमएलए लोकां दे मुद्दिआं ते देण ध्यान। विक्रम मजीठिया लोकां तों मंग लैण माफी। अकाली दल दे साबका मंत्री सरवण सिंह फिलोर दे बेटे दमन वीर फिलोर वल्लों अज पंजाब दे बजट सैशन च सियासी आगूआं वल्लों कीती गई बहसबाजी ते सवाल चुके ने। दस दिए कि अज विधानसभा सैशन दौरान कांग्रेसी विधायक हरमिंदर गिल ते विक्रम मजीठिया विचाले तकरार हो गई। इसे ते बोलदिआं दमनवीर फिलोर ने कहा कि इस पूरे मसले ते विक्रम मजीठिया नूं लोकां तों माफ़ी मंग लैनी चाहीदी है। साथियों, बजट सैशन दा अज दूजा दिन सी ते बजट सैशन दे विच जो मैनूं देखण नूं जां समझ आई कि जिथे इन्ना टाइम पंजाब दे जिहड़े बहुत सारे इंपोर्टेंट मुद्दे सी उन्हां नूं मिलना चाहीदा सी, वो बनदा टाइम जिहड़ा वो मिल नहीं सकिया। उत्थे साडे विधायक सभान आपस विच ही ज़्यादा लड़दे दिखे, ज़्यादा टाइम जिहड़ा वो यूटिलाइज़ होण दी बजाए वेस्ट हो गया। जिथे बहुत सारे इंपोर्टेंट मुद्दिआं ते गल तां होई, जिवें फार्मर सुसाइड दा मुद्दा सी जां पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दा मुद्दा सी, पर वो जिन्ना टाइम उन्हां मुद्दिआं ते लगना चाहीदा सी वो उन्हां लग ना सकिया। ते होर जिहड़ी साडी लड़ाई वाला पासा सी उत्थे विधायक साहबान आपस च उलझ गए, उहदे ते जिहड़ा पंजाब दा कीमती समा सी वह ज़्यादा वेस्ट हो गया, जिहदे नाल पंजाब दा भी नुकसान होया। ठीक है, जे किसी की कोई गल है जो सामने आई है वह कितने होर भी की जा सकती सी बजाय कि विधानसभा का जिहड़ा टाइम वेस्ट किया जाए। जे सरदार विक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने कोई गल ऐसी लगी सी तां उन्होंने कितने बाहर आके उस गल का जवाब दे देना चाहिए सी, या गिल साहब नूं भी, चलो मैं ये भी कहना उन्होंने भी थोड़ा जिहड़ी लड़ाई है अवॉइड कर लेनी चाहिए सी। ये जरूर देखने को मिले क्योंकि उहदी कोई वीडियो तो नहीं हजे आई ना मैं देखी है, तो ये जरूर सुनने को मिले कि जिहड़ी लड़ाई है वो बहुत लंबी चली तो बहुत ज़्यादा डेप्थ चली गई। लड़ाई का कारण की सी? लड़ाई का कारण सी कि जो गिल साहब सन वो कह रहे सन, जो विधायक ने कांग्रेस पार्टी के पट्टी तो, कि मजीठिया साहब के जिहड़े फोर फादरस ने उन्होंने महंत नारायण दास की जिहड़ी पक्ष उहदा पूरिया सी उहदे नाल खड़े हुए सी, बजाय कि सिख कौम के नाल खड़े होने की बजाए वह महंत नारायण दास के नाल, जिहड़ा साका ननकाणा साहब मैं पिछे खबरां च भी तुसीं पढ़िया होना, मैं उहदे बारे जिक्र भी किया सी, वीडियो भी अपनी एक बनाई सी उहदे विच पूरा दस्सिया सी मैं भी साके दे विच, इह साके तो पहला भी जिहड़ा साका ननकाणा साहब होया सी 1921 दे विच, उस तो पहला भी जलियांवाले बाग का जो 1919 दे विच बहुत सारे पंजाबी गरीब पंजाबी जिहड़े उत्थे जलियांवाले बाग दे विच इकट्ठे होए हुए सन अपनी डिस्कशनज करन वास्ते, आजादी दीआं डिस्कशनज करन वास्ते, लड़ाई लड़न वास्ते, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਇਸੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੜਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੜ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ।
मैं साहब विक्रमजीत सिंह मजीठिया होरां नूं बेनती करदा कि उह खुलेआम आ के दोने हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जलियां वाले बाग की महंत नारायण दास वाली ते जिहड़े पिछले उन्हां दे जदों हुकमरान सन जदों बैक ऑफ दी यू नो कर्टन पूरी कमांड लैके चला रहे सी अकाली दल की सरकार उहदे विच जिहड़ियां दो वड्डियां गलतियां होईयां बैबल कलां वाली ते झूठे साध नूं माफ़ी देण वाली ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94648 84374 94648 पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाहा प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा मोबाइल 98 788 045 80 85 88 6 17